स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की। इसके लिए इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को समझने के लिए सबसे पहले हम एक फिगर कंसिडर करेंगे जिसमें हमारे पास एक पाइप है और पाइप की जो है वो हमने नॉन यूनिफॉर्म शेप ली है। नॉन यूनिफॉर्म शेप का क्या मतलब है कि इस जगह से, जैसा कि आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट्स की इसकी विड्थ जो है वो पाइप की कम है एज कम्पेयर टू कि अगर हम यहाँ से देखें इसकी विड्थ जो है वो ज्यादा होगी, जिससे हमें पता चला है कि ये एक जैसा नहीं है बल्कि इसकी जो शेप है वो चेंज हो रही है। ठीक, अब इसमें ये इस पाइप में जो है इसको कंसिडर करके हम बेसिकली क्या देखना चाहते हैं, फ्लूइड का फ्लो देखना चाहते हैं कि हमें पता है कि फ्लूइड जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं और उसके फ्लो को हम कंसिडर करेंगे जिससे हम इक्वेशन और कॉन्टिन्यूटी को ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। अब इसकी कंस्ट्रक्शन में जो चीजें हमने देखी हैं सबसे पहले हम वो कंसिडर कर लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया का। क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम एक सिलेंडर लें और उसको कट कर लें डिफरेंट जगह से, तो फिर हमारे पास जो एक सर्कुलर एरिया का, मतलब कि ये जो सर्कुलर एरिया का जो हमारे पास आ जाता है ये हमारे पास क्या कहलाता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाता है। स्टूडेंट, जैसा कि इस केस में जो ये जो स्मॉल विड्थ का हमारे पास रीजन है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास निकला है वो हमने उसको उसको हमने क्या कहा है, ए टू का है, और ये जो एरिया है जिसकी विड्थ ज्यादा है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हमारे पास ए वन है। ठीक, अब जो लेंथ हम कंसिडर करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, यानी कि अब इसमें से फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन जो है वो इस ग्रीन एरो से शो की जा रही है जो कि हमें बता रहा है कि ये यहाँ जो मतलब कि लेफ्ट से राइट की तरफ जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, अब ये लेफ्ट से राइट इसकी जो मोशन दिखाई गई है यहाँ से हमने, यानी कि मतलब कि फ्लूइड को, यानी कि फॉर एग्जांपल हम वाटर ले लेते हैं एज अ फ्लूइड, वाटर का इनटेक यहाँ से किया और यहाँ से वो जो है वो आउट हो रहा है यानी कि निकल रहा है। ठीक, अगर हम देखें अब कि जो एरिया हमने, मतलब कि जो लेंथ हमने कंसिडर की है इसके लिए कि जिसको हम इन अंडर कंसिडरेशन लाना चाह रहे हैं वो हमने उसको हमने क्या किया, डेल्टा एल वन। अब डेल्टा जो है वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट, हमारे पास स्मॉल जो चेंज है उसको शो करता है। डेल्टा जो है वो क्या करता है, यानी कि डेल्टा का जो साइन है हमारे पास वो चेंज के लिए आता है, यानी कि स्मॉल चेंज को शो करने के लिए हम डेल्टा का निशान डालते हैं। अब डेल्टा जो है वो डेल्टा और एल वन जो है वो हमारे पास लेंथ को शो कर रहे हैं, यानी कि एल जो है वो हमारे पास क्या है, लेंथ है। ठीक है, और लेंथ जो है वो हमने कंसिडर की है, यानी कि इस जो थिकर रीजन के लिए हमने जो लेंथ कंसिडर किया वो डेल्टा एल वन है, और जो स्मॉलर रीजन के लिए हमने लेंथ कंसिडर किया वो यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमने उसको कह दिया वो डेल्टा एल टू है। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो बेसिक कंस्ट्रक्शन हमने की है यानी कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को ड्राइव करने के लिए वो हमारे पास किया गया। ठीक, अब हम देखते हैं कि हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को कैसे निकाल सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अगर हम एक टाइम लें, यानी कि एक स्मॉलेस्ट टाइम जिसमें हम इसकी मोशन को कंसिडर करना चाहते हैं, जिसके लिए अगेन मैंने डेल्टा का साइन यूज किया क्योंकि मैं स्मॉल चेंज जो है वो देखना चाहती हूँ। ठीक है, टाइम में, स्मॉल टाइम के लिए हम इसको देखते हैं, यानी कि जब पानी इस पाइप में से गुजर रहा है तो उस एक पर्टिकुलर टाइम में मैंने यहाँ से यहाँ तक भी नोट किया है कि हमारे पास मतलब कि इस लेंथ में हमारे पास उसकी कितनी मतलब कि स्पीड होगी, और फिर मैंने उसी टाइम के लिए फ्लूइड को, यानी कि पानी को इस टाइम, इसी मतलब कि पर्टिकुलर टाइम में, वही टाइम जिसमें मैंने यहाँ नोट किया था उसी टाइम में मैंने एक और स्टूडेंट को कहा कि वो यहाँ भी नोट करे पानी को का फ्लो। ठीक है, और उसने जो है उसकी वेलोसिटी नोट किया जो कि वी टू निकली है। ठीक है, इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी वी वन निकली है और इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी निकली है, वी टू निकली है, और कितने डिस्टेंस के लिए, क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होती है कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होती है, यानी कि कितनी जो है पार्टिकल्स ने डिस्प्लेसमेंट की है, या फिर कितना, क्योंकि डायरेक्टेड डिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। स्टूडेंट्स, डायरेक्टेड डिस्टेंस हमारे पास क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, और डिस्प्लेसमेंट जितनी उसने की है पर यूनिट टाइम के लिहाज से वो हमारे पास होगी वेलोसिटी। तो अगर हमने एक टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए यहाँ से यहाँ तक की जो पार्टिकल्स मूव किया उनकी वेलोसिटी मेजर किया जो कि वी वन आई है, और यहाँ से यहाँ तक की जो वेलोसिटी मेजर किया वो हमारे पास वी टू आई है। ठीक, अब ये चीज जो है वो हमने कंसिडर की, अगर मैं डेल्टा एम वन देखूं, यानी कि कितना मास में चेंज आया है फॉर दिस रीजन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक में मास में जितना चेंज आया है, तो मास की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, रो वन इंटू वी वन, और वी जो है वो हमारे पास इस केस में क्या है, वॉल्यूम। क्योंकि हमने ये चीज हमने कहाँ से निकाली है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें पता है कि डेंसिटी जो है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, और अगर मैं मास निकालना चाहती हूँ किसी बॉडी का तो मैं क्या कैसे निकालूंगी कि मैं डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दूंगी वी से, और रो जो है वो डेंसिटी को शो करे यहाँ। ठीक है, तो इस वजह से मैंने मास के लिए लिखा है रो वन इंटू वी वन। सही,
अब ये चीज़ हमें यहाँ से बता रही है कि हमारे पास यानी कि इतने वॉल्यूम के लिए इतनी पार्टिकल्स की डेंसिटी होगी और उसके लिए हम मास की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर मैं रो वन को एज इट इज लिखूँ और वॉल्यूम के बजाय मैं इसको वॉल्यूम, क्योंकि हमें पता है कि लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट का मतलब कि लेंथ को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें विड्थ से और मल्टीप्लाई बाय हम लेंथ विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पर वॉल्यूम बन जाता है। तो अगर मैं इस वॉल्यूम की जगह यहाँ मैं ए वन इंटू डेल्टा एल वन भी लिख सकती हूँ। अब ये कैसे मैं लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर जो हमारे पास इस केस में ये जो सर्कुलर एरिया है इसमें हमारे पास लेंथ और विड्थ जो है वो एरिया मिला देगी, और ये जो हमारे पास हाइट है ये लेंथ कंसिडर की जाएगी। तो इस केस में मैंने इस वजह से यहाँ ए वन इंटू डेल्टा एल वन लिख दिया है, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर मैं डेल्टा एल वन से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इस केस का वॉल्यूम निकल सकता है। यानी कि सिलेंड्रिकल बॉडी का वॉल्यूम हम कैसे निकाल सकते हैं कि अगर मैं उसकी लेंथ को मल्टीप्लाई कर दूँ उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से। तो यहाँ मैंने बिल्कुल वही चीज़ की है कि मैंने मतलब कि वी वन की जगह मैंने ये चीज़ लिख दिया। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो हमारे पास जो वेलोसिटी जो स्टूडेंट ने नोट की यानी कि वी वन वेलोसिटी इस एरिया के लिए वो हमारे पास क्या होगी, डेल्टा डेल्टा एल वन होल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यानी कि वेलोसिटी हमारे पास क्या है, जितनी उसने डिस्प्लेसमेंट की है पर यूनिट टाइम। और अगर मैं यहाँ से डेल्टा एल वन की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास वो कितनी आती है, वी वन इंटू डेल्टा टी। अब ये वैल्यू भी मैं एग्जैक्टली यहाँ जो है पुट कर सकती हूँ और डेल्टा एम वन की वैल्यू निकाल सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटीज निकाल सकती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ लिखने जा रही हूँ कि रो वन ए वन और डेल्टा एल वन की जगह मैं क्या लिख दूंगी, वी वन इंटू डेल्टा टी। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास डेल्टा एम वन की वैल्यू आ गई। ठीक, अब अगर हम देखें एक सेकेंड केस जो हम कंसिडर करने जा रहे हैं, या अब दूसरे केस के लिए हम कंसिडर करते हैं, अब उसके लिए मैं यहाँ ज़रा थोड़ी सी जगह जो है वो कर लेती हूँ कि मतलब कि अगर मैं यहाँ मेरे पास थोड़ी सी जगह स्पेस हो जाए ताकि मैं ये चीज़ जो है वो लिख सकूँ। अब अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ जो है इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं और यहाँ जगह बना लेते हैं स्टूडेंट्स। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो सेकेंड केस है यानी कि सेकेंड जो बार है जिसका विड्थ हमारे पास कम है, जिसकी विड्थ हमारे पास कम है, उसके लिए अब अगर हम यही चीज़ निकालना चाहते हैं यानी कि डेल्टा एम टू की वैल्यू मैं निकालना चाहती हूँ तो मेरे पास क्या आएगी, रो टू वी टू। ठीक है, यानी कि डेंसिटी ऑफ दिस मतलब कि इतना इस पार्टिकल्स की डेंसिटीज और उनका वॉल्यूम यानी कि यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्योंकि हमें सिलेंड्रिकल बॉडी का पता है कि हम किस तरह से निकाल सकते हैं कि अगर मैं उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को मल्टीप्लाई कर दूँ उसकी लेंथ से तो हमारे पास जो है वो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं उसकी इस यानी कि मास को इन टर्म्स ऑफ मतलब कि वेलोसिटी की टर्म्स में निकालना चाहती हूँ तो वी टू इंटू डेल्टा टी कर दूंगी। ठीक है, जिस तरह से हम जानते हैं कि डेल्टा एल टू जो है वो हमारे पास क्या है, कि हमारे पास वी टू जो है वो हमारे पास क्या है, डेल्टा एल टू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा एल टू की वैल्यू जो है वो मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर ली है। ठीक, और ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, तो इससे मुझे ये पता चल गया कि मेरे पास ये दो मैसेज की वैल्यूज आ गई हैं, जो कि एक ये है हमारे पास इक्वेशन टू से मैं कह देती हूँ और ये मेरे पास इक्वेशन वन है। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स, जिस तरह से पिछले केस में मैंने आपको बताया था कि जब हमने फ्लूइड्स की कोई भी प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है तो हम उसके लिए हम दो चीज़ें कंसिडर करते हैं, एक ये कि हम उसको इनकम्प्रेसिबल लेते हैं। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कि वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए कि वो स्टेडी फ्लो कर रहा हो, यानी कि उसमें जो फ्लो है पार्टिकल्स की वो स्ट्रीम लाइन फ्लो हो, यानी कि उसके एक पार्टिकल जो पाथ फॉलो कर रहा है वही दूसरा पार्टिकल भी पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, और तीसरी चीज़ हमने ये कंसिडर की थी कि हमारे पास वो जो है उसकी जो विस्कोसिटी है वो नॉन विस्कस हो, यानी कि उसके दो लेयर्स के दरमियान जो है वो रेजिस्टेंस ना हो, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट ना करती हो। तो अगर इन्हीं चीज़ों को कंसिडर करके हम देखें तो मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये दोनों मैसेस की वैल्यू सेम आ जाएगी। क्योंकि अगर हम देखें तो ये यानी कि जो पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहे हैं, यानी कि जितना मैस यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, उतना ही मैस यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, क्योंकि उसमें ना तो वो विस्कस है ना उसमें स्ट्रीमलाइन फ्लो भी है और वो इनकम्प्रेसिबल भी है, सॉरी यहाँ इनकम्प्रेसिबल लिखना था। तो इस वजह से सेम जो मैस है वो मूव किया होगा, तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ से डेल्टा एम वन जो है वो डेल्टा एम टू के बराबर होगा, जो कि नेक्स्ट पेज में कहने लगी हूँ, डेल्टा एम वन जो है वो डेल्टा एम टू के बराबर होगा। ठीक, अगर हम अब इसमें वैल्यूज पुट करें, यानी कि जो वैल्यूज हमने पिछले पेज पे निकाली थी वही वैल्यूज मैं यहाँ पुट करने जा रही हूँ, रो वन ए वन वी वन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू रो टू वी टू
सॉरी ए टू वी टू इंटू डेल्टा टी, ठीक। ये चीज़ जो है ये इसके साथ जो है वो कंबाइन कर दी गई है। अब अगर हम देखें तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं इसके जरिए हमने यानी कि मैसेज को जो इक्वल किया है वो हमने बताया है कि इनकम्प्रेसिबल था, इस स्ट्रीमलाइन फ्लो था स्टूडेंट, तो इस वजह से हमने इनके मैसेज को जो है वो इक्वल कर दिया। अब अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास जो है यहाँ से ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी है जो कि हमने निकाली है। अब अगर हम देखें तो इस केस में हमारे पास डेल्टा टी जो है वो डेल्टा टी से कैंसल अप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने एक सेम टाइम के लिए दोनों मैसेज की वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट की थी, तो इस वजह से हमारे पास रो वन ए वन वी वन जो है वो इक्वल आ गया रो टू ए टू वी टू के, ठीक। अब ये चीज हमारे पास बन गई। और एक जो आखिरी चीज जो हम इसमें देखना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स वो हमारे पास ये है कि अगर हम देखें कि हमारे पास जिस तरह से यहाँ रो वन ए वन वी वन हमारे पास आया है और यहाँ रो टू ए टू वी टू आया है, तो हमारे पास यहाँ ये चीज है कि हमारे पास जो इसकी डेंसिटी थी वो भी हमारे पास सेम रही है, यानी कि ये क्योंकि ये इनकम्प्रेसिबल था स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने फ्लूइड को क्या लिया हुआ है, इनकम्प्रेसिबल लिया हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो डेंसिटी है वो चेंज नहीं हो रही, यानी कि डेंसिटी जो है फ्लूइड की वो क्या रह रही है, कॉन्स्टेंट रह रही है, ठीक। उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो सेम है, तो इस वजह से रो वन जो है वो रो टू के बराबर आ जाएगा, क्योंकि रो जो है वो डेंसिटी को शो कर रही है, जिससे हम जो इसका फाइनल रिजल्ट जो है वो निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, जो कि हमारे पास क्या है, ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू और वी टू, यानी कि मास जो यानी कि एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी और ए टू यानी कि सेकेंड ऑब्जेक्ट का एरिया और मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अब अगर हम दोबारा से वही चीज़ कंसिडर करें ताकि हम इसकी रिजल्ट डिस्कशन कर लेते हैं। अब अगर रिजल्ट डिस्कशन देखें स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास वो कंटेनर था जो कि मैंने पहले कंसिडर किया था, यानी कि यहाँ हमारे पास एरिया जो था वो ज़्यादा था, क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ हमारे पास क्या था, ज़्यादा था, और यहाँ जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था, यहाँ जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था इसे मैंने ए वन लिया था, और ये जो मेरे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया था ये मेरे पास क्या था, ए टू, ठीक है। अगर हम देखें तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी यानी कि ये जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी आई है ये हमें क्या बता रही है कि हमारे पास जब ए वन यानी कि एरिया और क्रॉस सेक्शनल ज़्यादा होगा तो उस केस में जो हमारी वेलोसिटी होगी यानी कि पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी होगी यानी कि फ्लूइड की जो वेलोसिटी है इन अदर वर्ड्स वो हमारे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ए टू जो है वो अगर यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो हमारे पास वेलोसिटी ज़्यादा होगी, यानी कि ये दोनों जो चीज़ें हैं ये अपने आप को मेंटेन रखेंगी एक खास वैल्यू पे जो है इसको, मतलब कि इसका क्या मतलब है कि यानी कि इनका जो रेट ऑफ फ्लो है वो जो है वो सेम रहेगा, यानी कि वॉल्यूम का जो फ्लो है वो हमारे पास सेम रहेगा। अब इस चीज़ को एक और नज़र से भी देख सकते हैं कि अगर ए वन वी वन जो है वो मैंने ए टू वी टू के बराबर किया है तो हमें पता है कि ये वी वन जो है ये हमारे पास वेलोसिटी है, यानी कि वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, जिस तरह से हमने यहाँ डेल्टा एक्स एल वन डिवाइड बाई डेल्टा टी किया था उसी चीज़ को मैं यहाँ दोबारा पुट कर रही हूँ, यानी कि डेल्टा एल टू डिवाइड बाई डेल्टा टी, ठीक है। और ये चीज़ जो है यानी कि ए वन इंटू डेल्टा एल वन जो है हमारे पास वी वन है, यानी कि वॉल्यूम है जिसे मैंने कैपिटल वी से डिनोट किया है, और डेल्टा टी और इज इक्वल्स टू वी टू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, यानी कि ये रेट ऑफ वन थे कि वॉल्यूम का रेट है, यानी कि वॉल्यूम का फ्लो है पर यूनिट टाइम, ठीक है, वॉल्यूम का फ्लो है पर यूनिट टाइम, यानी कि कितना वॉल्यूम जो है कितने टाइम के लिहाज से जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है, और वो जो है वो सेम रहेगा, यानी कि उसकी जो अमाउंट है वो चेंज नहीं होगी। और उसकी अमाउंट कैसे चेंज नहीं होगी, यानी कि उसकी अमाउंट कैसे चेंज नहीं होगी कि अगर हमारे पास लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो वहाँ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, ठीक है। और अगर यानी कि इन दोनों चीज़ों को हम कैसे मतलब कि बराबर कैसे कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, और अगर एरिया कम है, ठीक है, तो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तभी हम इस यानी कि इन दोनों चीज़ों को बराबर तभी कर सकते हैं कि अगर हम इन दोनों चीज़ों को आपस में मेंटेन कर लें, जिस तरह से अगर इसकी वैल्यू हमारे पास 10 है और इसकी वैल्यू हमारे पास 5 है, तो इसका इस केस में यहाँ जो है इसकी वैल्यू ए वन की वैल्यू 5 हो जाएगी और इधर ए टू की वैल्यू 10 हो जाएगी, तब ये दोनों इक्वेशंस बराबर आ जाएंगे, जिससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे पास जो जब फ्लूइड्स मूव करते हैं लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया से तो उनकी वेलोसिटी कम हो जाती है, और जब वो स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया से मूव करते हैं तो उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो ये है स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी जिसे हमने आज समझने की कोशिश की है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसकी और इक्वेशंस जो है वो डराइव करेंगे।